ये हमने रैंडम नंबर जनरेट किया राइट। अच्छा अभी मैं इसको समझना है ठीक है, और चेंज मैं इस तरह से कराऊंगा कि व्हाट इफ कि मैं इसकी जगह ये दूं, प्लीज लुक एट इट वेरी वेरी क्लियर, मैं क्विज आपका सी होगा प्लीज। यहां पर मैं लिख रहा हूं वाई और यहां पे लिखता हूं अब क्या, अब सर जब तक हम कोई भी बटन नहीं दबाएंगे तब तक कोई रोल होता रहेगा जब तक कोई की नहीं प्रेस करेंगे तब तक ये आप ये नजर आता रहेगा, और जैसे ही आप की प्रेस करेंगे वो स्टॉप हो जाएगा और वो आपकी डैश पे ठीक है। ऑलराइट सर थोड़ा सा आई विल सजेस्ट कि डिले डाल दो ठीक है, तो होगा ये कहना कि वो रुक से आई से ऐसा रखेगा हां, रुक से तो सस्पेंस आएगा ठीक है ना, ऐसे एक उसका फिर वो पकड़ने का दिल करेगा नंबर को, हां उसका पकड़ने का दिल करेगा, और मतलब अगर जैसे ही वो 6 आने के लिए प्रेस करेगा ना वो इतना तेज चल रहा होता है सर उसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि जिधर वो की प्रेस करे तो वो इमारत तीन कर उसकी और वो सेक्शन चले और उस पे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है सर, वो ऑलराइट ओके नाउ लेट्स गो देयर। अभी जो आपने ये कोड लिखा है ये केबी हिट करता है, इसमें छोटा सा इशू आएगा और वो ये कि केबी हिट जो फंक्शन ये जब केबी हिट फंक्शन आप कॉल करते हैं तो केबी हिट जो है वो सिर्फ ये बताता है कि बफर में कोई की आ चुकी है, बफर से की निकालता नहीं। तो मैं इसका मैं क्या मतलब होता है, यानी आपने जब जो भी की प्रेस की है ना वो बफर में आ गई है लेकिन बफर से निकालता नहीं, ये जो डी मतलब आई डोंट नो कंफ्यूजन आ रही है कि डी को वो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू नहीं आ रही, डी में तो कोई रैंडमली वैल्यू आ रही है, आपने जो की प्रेस की है वो बफर के अंदर पड़ी हुई है ओके। अच्छा अगर इसी लूप को आप आगे जाने देंगे, यदि ये लूप खत्म हो गया और वो आपने इसे आगे जाने दिया, ये अगली दफा जब इसके अंदर आएगा तो की वही रहेगी, ये की अभी तक आपने निकाली नहीं है, की को निकालने के लिए क्या करें सर, जब तक ओवर सीन बना नहीं कर सकते, सीन के लिए फिर एंटर दबाना जरूरी होता है, गेट लगा लेते हैं, गेट क्या करता है बगैर सॉरी एंटर, यस जो आपका गेट का गेट जो है वो ये करता है कि गेट जो है वो आपको वो कैरेक्टर दे देता है, अगर आप चाहें तो उसका रीड कर सकते हैं ले सकते हैं रिसीव कर सकते हैं, वरना कर सकते आप रिसीव ना ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसका मतलब है कि इस लाइन से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक गेट लगा ठीक है, और फिर हम करते हैं रिटर्न सॉरी तो ये फंक्शन खत्म हो, ये लूप खत्म होगा तो कोई की वो की आप गेट से रिसीव कर, वो की आप गेट से रिसीव करने रिसीव करके मैंने ग्राहक हमें कोई मैं रिसीव की किसके अंदर नहीं रिसीव किया विच मींस वो आया होगा ना उस गेम में किया था पेपर सीजर किया था बिल्कुल जैसे हमने उधर किया ठीक है, अच्छा एक दफा रुकवाना भी चाहते जैसे जब की प्रेस करते हैं तो ही वो रुके ना तब भी वो डिस्प्ले है ठीक है। अच्छा जी आगे आते हैं, अगर सीन करवाएंगे तो आपको एंटर आगे दो पॉइंट एक गैच की मजेदार चीज यह है कि आप एक दफा की लिखेंगे तो वो रिसीव हो जाती है, आपको एंटर नहीं दबाना ठीक है, नहीं मैं वो कह रहा हूँ केबी हिट करेक्टर अगर बफर में आ गया तो
तो वो कैच लेगा ठीक है लेकिन वो दो दफा होगी या तीन दफा होगी। कभी तुमने देखा कि आपने की स्पेस एक दफा प्रेस किया वो स्पेस दो दफा होगा जब तक ये जो गैच है वो तब तक गैच करता रहे जब तक के बफर खाली नहीं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं एक और वाइल, उसका नाम है वाइल कैबिनेट। जब तक की कोई बफर में पड़ी हुई है मैं गेट करता हूं। उसी वाइल में लगाए उसके बाद मुझे पहली दफा उसे ब्रेक हो जाना चाहिए और फिर ब्रेक होने के बाद हर जितनी की पड़ी हुई है वो सारी की सारी हम रिमूव कर। ठीक है चले जी ये समझ में आ गया। अच्छा रोल डाइस को अभी तक जो हमने लिखा है वो ये लिखा है ठीक है। दोबारा लिखा बेटा ये है रोल डाइस इसकी रिटर्न टाइप इंट है। ये क्या करता है इंटीजर एक डी बनाता है और कहता है वाइल के भी है ठीक है वाइल नॉट के भी है। ये क्या करता है एक डी बनाता है और उसको रैंड मॉड 6 प्लस 1 असाइन करता है और यहां पे वो डी खोल जाता है ठीक है। इसलिए वाला काम है ये जब इस वाइल से बाहर आएगा ये तभी बाहर आएगा जब प्रेस की जब आपने कोई की प्रेस की। यहां पर हम आगे क्या करते हैं यहां पर लगाते हैं वाइल के भी है जब तक बफर में कोई की है उसको जाहिर ठीक है और उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद हमने लगाया होता है कि रिटर्न कर दो क्या रिटर्न कर दो ठीक है। चलिए आगे तुम खेली कर दो आपकी बारी है आप रोल करते हैं जो वैल्यू आ जाए आपकी टर्न चली जाती है या दोबारा टर्न आ सकती है। अगर सिक्स आए तो आपको रोल डाइस दोबारा करना होता है ऐसी है। तो एसेंशियली ये जो रोल डाइस है ये रोल डाइस जो है आपने ये जो काम किए ये काम कर रहा है एक दफा रोल डाइस का ऐसी है यहां से लेकर यहां तक ये जो काम है ये एक दफा रोल डाइस ओके अहमद सर रुक जाओ कोई कोई स्टार्ट ठीक है ठीक है। चले जी जो सवाल है सवाल ये है कि हम क्या करना चाहते हैं हम ये करना चाहते हैं कि अगर आपने डाइस रोल की और सिक्स आ इसी फंक्शन के अंदर अभी फंक्शन से बाहर ले जाते हैं इस फंक्शन के अंदर हमें ये काम तब तक करवाते रहे हैं जब तक डी की वैल्यू 6 आ यानी अगर डी पे डी में वैल्यू 6 आ जाए यानी यहां से रिटर्न कर रहा है डी रिटर्न डी संग नहीं कर रहा बल्कि चेक लगा रहे कि अगर डी में 6 वैल्यू आई है तो हमने दोबारा यही काम करना है। अच्छा एक और बात अगली दफा लेक्स 5 आ जाता है तो वो तो डी की वैल्यू 5 कर देगा रिटर्न क्या करना चाहिए इसको डी प्लस इसको 11 रिटर्न करना चाहिए 5 रिटर्न नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है हमें जितनी दफा रोल होगा वो इक्यूमुलेट करना है वो इक्यूमुलेट करना है चला में किसी और कोई एक और तरीके बनाना पड़ेगा इसके साथ इक्यूमुलेशन करें ठीक है। और ये काम हमने कब तक करना
ठीक है, ये सवाल था मैंने यहाँ पर दिल था सवाल बेटा, ये आपने कोड लिखा है कि अगर आपने अगर ट्वेंटी हिट जब तक नहीं होता तब तक वो आगे रोल लोग सिखाता रहता, जब वो की प्रेस हो जाती है तो वो आखिरी वाला इधर ही रहता है, डिस्प्ले हो जाता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ पर वो केबी हिट में वो सारी चीज रिमूव कर देता है, डी में क्या वैल्यू आ जाती है जो आखिरी दफा से नजर आता है, ठीक है, ये वैल्यू हमने तब तक रिकवर नहीं करवानी जब तक डी छ आता जाए, यानी कि डी छ आया डिस्प्ले कर दे अगली दफा दोबारा हो डिले करवा दो तो हां थोड़ा डिले करवा के छ आया देखा तो ठीक है, देखा दोबारा से वो ये करने के बाद भी चलेगा दोबारा से लेकिन दोबारा गैस लगा दे और ये दोबारा से लूप चले, ये वाला काम एक्चुअली दोबारा से हमने बार बार करवाना है, ये कब तक करवाना है जब तक बट अभी बड़ी अच्छा, लेकिन एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये वाला काम हमने बार बार करवाना है, यानी जब तक छह आते जा रहा है ये काम दोबारा दोबारा होता है, ठीक है, अच्छा और जितनी दफा आपका डाई रोल होता जा रहा है वो सारा एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट का मतलब है कि पिछली दफा जो वैल्यू आई थी वो एक और वेरिएबल में सेव होती है और आखिर में क्या वैल्यू रिटर्न हो जितनी दफा आपने रोल किया उन सबका हिस्सा, ठीक हो गया सारे अलग प्लीज एटलीस्ट जो डबल पेज है वो निकाले क्योंकि आपका जो क्विज है उसमें तीन क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अपनी बात अलग सुन लूंगा।